2000 की नोट बदली जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है 30 सितंबर 2023 तक किन लोगों के लिए बनी है भीषण समस्या, आइए जानते हैं कैसे और क्यों। दिस प्लेस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ पाएंगे जब आप बैंक में पधारेंगे। तो ये नजर किसकी है, सिर्फ बैंक कर्मचारियों की या किसी और की भी, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इन डिपार्टमेंट की नजरों से बचने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने माइनर चिल्ड्रन यानी कि 18 से नीचे जो आपके बच्चे हैं या फिर घर में काम करने वाले सफाई कर्मचारी के बैंकों के खाते जैसे कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स, किसान विकास पात्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तहत उन खातों में अगर जमा करा देंगे तो क्या आप इन नजरों से बच सकते हैं? जी नहीं, ये आपकी बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आपका ऐसे काम करते ही अगर आपके डिपॉजिट्स 50 लाख के ऊपर जाते हैं और आपका आईटीआर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और जांच पे पता चल जाता है कि आप जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं वो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, तो डिपार्टमेंट इसे बेनामी डिपॉजिट करार दे देगा। 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट करने वालों को अब तक 150 नोटिसेस जा चुकी है। डिपार्टमेंट काफी सख्त कदम ले रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि किस तरह से आपकी इतनी आवक हुई है कि आपने इसे डिपॉजिट्स किए हैं। अगर आप ढंग का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपके अकाउंट उसी वक्त फ्रीज कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि अभी तक जो डिपॉजिट्स हो चुके हैं उनको रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया है, मतलब अकाउंट की एक्टिविटी देखते हुए डिपॉजिट्स की तुलना उसके तुलनात्मक कितनी है ये देख के अकाउंट्स को हाई, लो और वेरी हाई रिस्क में कैटेगराइज कर दिया गया है और डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रीकेवाईसी करने के आदेश दे दिए गए हैं जिनमें काफी हाई वैल्यू के डिपॉजिट हुए हैं और अब 10 लाख के ऊपर अगर आप डिपॉजिट करने पहुंचेंगे तो सबसे पहले बैंक आपसे पूछेगी आपका इनकम प्रूफ क्या है, कि किस तरह आपकी इतनी आवक हुई है। सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत न केवल बैंक बल्कि पोस्ट ऑफिस को भी स्ट्रिक्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि उन्हें सब रिपोर्ट करना है। सो क्या लगता है आपको ये नोट बदली कितनी सक्सेसफुल होगी?